वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरबत दा भला दे जिहड़े सेवा सोसायटी दे जो शुरू तो लैके 25 नवंबर तो लैके इस मोर्चे दे विच बहुत वधिया सेवा निभा रहे ने, जिथे उन्होंने अपनी एंबूलेंस लैके इस मोर्चे नूं बहुत वड्डा जाने के भी अंदोलन विच हिस्सा योगदान पाया। उत्थे सारियां मेडिसन जा जाके ट्राली टू ट्राली शुरू तो लैके दे रहे ने। मैं देख रहा सी अज तो 4-5 दिन पहला कि आयुर्वेद काढ़ा जो बनिया हुंदा वह भी सारे मोर्चे दे ट्राली टू ट्राली जाके लंगरां विच पहुँचाया गया, तां करके साढ़े किसान उस काढ़े नूं गर्म करके पानी दे विच पीण ते इस बीमारी तो राहत मिलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी 25 तरीक तो जो साढ़े भाई साहब साढ़े वीर जंगवीर सिंह जी सन साढ़े प्रधान दुआबा किसान कमेटी दे उन्होंने साड़ी ड्यूटी लाई है कि तुसी एंबूलेंस नाल लैके जाना। असी 25 नवंबर तो दुआबा किसान कमेटी दे नाल इत्थे हाथ बढ़ा रहे हैं, जिस विच साड़ियां कोल सारे तरह दीआं दवाइयां साढ़े नाल हन ते डॉक्टर साढ़े नाल हन। तुसी देख रहे हो साढ़े कोल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर है, ये थर्मामीटर है, मास्क है, इन्हां दे नाल सैनिटाइजर है जी साढ़े कोल, अते हर एक तरह की जिहड़ी दवाई है वह अवेलेबल आ। असी संयुक्त मोर्चे दा पूरा साथ देवांगे, जिन्ना चिर साडी जिंदगी आ जिन्ना चिर किसान इहो कानून वापस काले नहीं हुंदे उन्ना चिर एंबूलेंस भी तो साडी टीम इत्थे रहेगी। असी संयुक्त मोर्चे वालिआं दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां सारे वीरां ने सानू इह सेवा दित्ती। असी अपना जिंद ला के भी इह सेवा नूं निभावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई जंगवीर सिंह जी चौहान जिन्हां ने कि सानू नाल लै के इस सेवा का मौका दिता, इन्हां धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े नाल इस वेले खड़े आ कुलदीप सिंह जी बजीतपुर, मुकेश चंद्र जी दुआबा किसान संघर्ष कमेटी, बलवंत सिंह जी बहरामके, लखविंदर सिंह जी खालसा, दविंदर सिंह जी मूनका ते ढिल्लो साहब ते होर साढ़े सारे साथी, चरण सिंह जी डॉक्टर साहब साढ़े विच एंबूलेंस दे बैठे आ टांडे तो। तीन दिनों तो बारिश हो रही सी, पानी भी चंगा खड़ा है ते बीमारी फैलन का खतरा आ। देखो जिन्नी भी इत्थे एंबूलेंस आई हुई जिन्ने भी डॉक्टर ने इत्थे अपने मोर्चे लाए हुए आ ते अपनियां टीमां बना के इत्थे घूम रहे, उन्हां दे विचों एक जिहड़ी आ सरबत दा भला सेवा सोसायटी मूनका अज साढ़े नाल जिहड़े आ सारे डोर टू डोर जाके ट्राली टू ट्राली जाके अज जिहड़ी आ हरेक मरीज़ दे नाल गलबात करनगे, उन्हां दी सेहत दा ख्याल रखदे हुए दवाइयां वंडणगे। तो साडी पंज मैंबरी जिहड़ी आ कमेटी आ संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों बनाई गई, वह भी साढ़े नाल आ। तो असी धन्नवाद करते हैं सरबत दा भला सेवा सोसायटी का, सारे NRI वीरां दा जिहड़े सहयोग दे के होस्पिटल नूं चला रहे, एंबूलेंस नूं चला रहे। तो साढ़े वालों संयुक्त किसान मोर्चे वालों समय समय से सैनिटाइजर की स्परे जी हो रही है, इत्थे समय समय से दवाइया वंड रहे हैं, तो बीमारी का इत्थे कोई खतरा नहीं। पूरा जिहड़ा अपना इन्होंने प्रकोशनस कीतियां हुई आ, मूँह ते मास्क लगा के रखे हुए आ, स्प्रे की जा रही है, दवाइया बढ़ रहे हैं, सारिया सहूलत जी ने संयुक्त किसान मोर्चे वालों चैनलों से अखबारों से प्रेस के जरिए ये सरकार वालों दसिया जा रहा कि करोना के नाल डैथ हुई है। मैं दसना चाहना कि यह बिल्कुल सरासर झूठ है। जिस तरह करोना के नाते सियासत हो रही है, पंजाब दे विचों बहुत सारे यह जे केस आ रहे हैं कि मनिया जा रहा कि कोई आम डैथ होंगी है नैचुरल तो उन्होंने भी करोना का नाँ दिता जाता। सो इस तरह ही अंदोलन को बदनाम करके यहोजा प्रापेगंडा किया जा रहा। सो किसी ने भी यहोजी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो सो जी गल मैडिकल लाइन की है जेहत सहूलत की है, इस मोर्चे के पहले ही दिन तो बहुत शानदार प्रबंध किए जा रहे। सरकार वालों भी किसी भी पिंड जिले के यहोजे प्रबंध नहीं किए जा रहे। तुम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के विजिट कर लो तो मोर्चे चाहिए विजिट कर लो, इतने सेहत सहूलत की जो मैडिकल लाइन की गल करते हैं तो बहुत सारे कैंप इस तरह मेरे वीर जंगवीर सिंह जी उन्होंने पहले दिन तो जो कैंप चल रहे हैं। सो तरह तरह दीआं दवाइयां मेडिसन देसी आयुर्वेदिक सारे तरह दीआं जिहड़ियां मेडिसन दित्तियां जा रही हैं। सो गुरु साहब की कृपा नाल सारे ठीक है, तंदुरुस्त आ। जे कोई थोड़ियां बहुतियां कुदरती तौर पर जो कोई प्रॉब्लम आती है कोई बुखार की जां कोई होर तो वह मेडिसन दित्तियां जा रही हैं, बिल्कुल सारे ठीक है। सो संगतां नूं किसी भी गल अफवाह ते यकीन नहीं करना चाहिए। मोर्चा चढ़दी कला चा इस तरह जंग जारी रहेगी, जिन्ना चिर तीन काले कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर लड़ाई इसे तरह जारी रहेगी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।